Hi everyone, it's me Jasdeep and welcome back to my channel. और आज हम discuss करेंगे about international students और उनके लिए क्या job opportunities है Canada के अंदर. तो friends, जब आप Canada आते हो तो obviously सबसे बड़ी responsibility होती है कि हम खुद कमाएं और अपनी fee pay off करें और future के जितने खर्चे हैं खुद उठाएं. तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, let's discuss. एक मिनट. Before I discuss anything, एक international student के पास बस 20 hours per week होते हैं in Canada to work, तो please adhere to these norms because past में ऐसे cases हो चुके हैं जिसमें लोग 20 hours से ज़्यादा work कर रहे थे और उससे उनकी PR या citizenship पे later on impact होता है. तो please 20 hours per week से ज़्यादा काम मत कीजिएगा. सबसे पहला option, stores. Stores के अंदर दो format होते हैं, एक होते हैं big box stores जो कि बहुत बड़े chains होते हैं जैसे Walmart, Costco, या फिर छोटे stores हो सकते हैं जैसे local store हो गया या कोई local gas station हो गया. अब फ्रेंड्स, इसमें जॉब लेने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. अगर आप बिग बॉक्स स्टोर्स की बात करते हो तो यार उसमें आपको ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन भरनी होगी और उसके एग्जांपल के लिए मैंने वैसे ही वॉलमार्ट के ऊपर वीडियो बनाई है जो आपको ऊपर दिख रही है. सेकंड ऑप्शन होता है लोकल स्टोर्स. लोकल स्टोर्स में जॉब लेने के लिए आपको अपना रेज्यूमे या तो वहां जाके पर्सनली ड्रॉप करना होगा या फिर आप किसी फ्रेंड रेफरल के थ्रू भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है. अब डिस्कस करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस जॉब. इस जॉब में आपका एडवांटेज होता है आप कस्टमर फेसिंग होते हो, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है और उसके बाद आपको यहाँ के कल्चर टेस्ट के बारे में काफी एक्सपीरियंस मिलता है. अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आपको जो सैलरी होती है वो 14.5 to 15 पे स्टार्ट होती है और ऑल द वे अप टू $18 के आसपास जा सकती है पर आवर. अब यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट्स होती हैं वो डिपेंड करती है कि वहाँ कितने लोग हैं और वो कितना फ्लेक्सिबल है अपनी शिफ्ट्स को लेके, तो उसमें थोड़ा सा यार आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है. सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स. तो आजकल यहाँ पे काफी लोग अपने घर में रेनोवेशंस करवाते हैं, कोई अपने घर में बेसमेंट बनवा रहा है या कोई भी छोटा मोटा बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं. वो कॉन्ट्रैक्टर्स कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं फॉर हेल्पिंग देम आउट. तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे जैसे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई छोटा मोटा मेरा स्विच खराब हो गया, तो मैं जनरली खुद ही ठीक करूंगा, बट कोई बड़ी चीज अगर मुझे करवानी है तो उसके लिए मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करता हूँ. अब उसके अंदर एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हायर हो जाते हैं तो आप एक तो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेकंडली आपको घर में छोटी मोटी फिक्चर्स और सब कुछ ठीक करना खुद आता है, तो कल को फ्यूचर में आप घर लोगे तो आप ये सब चीजें खुद ही ठीक कर लोगे. तीसरा, इस एक्सपीरियंस के साथ कल को आप खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये काम अच्छा लगा. और चौथा, इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है, तो इसमें आप ऑल द वे फ्रॉम लाइक $20 से लेके $40 तक भी जा सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है और आपको वहां पे इंटरेस्ट है या नहीं है. तो थर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उबर. उबर में आपको दो ऑप्शन है, एक है उबर फूड डिलीवरी और एक है उबर ड्राइविंग. लेट्स टॉक अबाउट उबर डिलीवरी. उबर फूड डिलीवरी के अंदर आपको लोगों के लिए रेस्टोरेंट से खाना उठाकर उनके घर पे डिलीवर करना है. इसमें आप $20 से लेकर $25 तक कमा सकते हैं और आप कोई भी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है उसको लेकर इसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं. उबर ड्राइविंग के अंदर आप $30 से $35 पर आवर तक कमा सकते हैं. इसमें आप जनरली लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि आपको लोगों से मिलने को मिलता है, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपके पीछे कोई बैठा रहेगा, आप बोर नहीं होने वाले. पर इसमें एक कैवियट है, वो ये है कि आपका बजट बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें आप 5 साल से पुरानी गाड़ी नहीं ले सकते, तो जनरली लोग यहाँ पे नई गाड़ी उठाते हैं और जैसे आप चलाते जा रहे हैं तो आप उसको पे ऑफ भी कर देंगे क्योंकि आप $30 से $35 पर आवर कमा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी भी बन जाएगी और साथ में आपको काफी अच्छे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. तो फोर्थ सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर होता है फ्रीलांसिंग. फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग में बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि उसमें आपको खुद ही जॉब सॉर्ट आउट करनी है, आपको नेटवर्क्स बनाने हैं जिसके लिए लोग लिंक्डइन, यूट्यूब और बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं. अब इसमें कौन कौन से लोग जाते हैं, इसमें जाते हैं वो लोग जिनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स ऐसा एक्सपीरियंस है. इन लोगों को ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू अपना रेफरल्स बनाना होता है या कोई पास ग्रुप होता है, ये उसके थ्रू छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं और इसमें आपका अर्निंग पोटेंशियल होता है फ्रॉम $40 ऑल द वे अप टू $70 पर आवर तक. ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसमें आपका रेज्यूमे भी बिल्डअप होता है और आपका फ्यूचर जॉब के लिए भी इजियर होता है. आपको कौन कौन सी कंपनीज अप्रोच करती है, इसमें आपको पहले वाली कंपनीज अप्रोच करती है जिनका बजट बहुत कम है और वो बाहर से एक बंदा हायर नहीं कर सकते फुल टाइम. सेकंड, आपको वो अप्रोच करते हैं जिनका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है और उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा रिसोर्स चाहिए जो उनको हेल्प आउट करे. और तीसरा, वो कंपनीज रीच आउट करते हैं जिनके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है लेकिन उनको ऐसा कोई टैलेंट लॉन्ग टर्म में चाहिए भी नहीं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में वो किसी को हायर करके ये अपना प्रोजेक्ट करवा सकते हैं. अब इसमें अगर मैकेनिक, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास लाइसेंस है और आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो और यार आपको ना गाड़ी मतलब खोल के उसको समझ आता है और आप उसको ठीक कर सकते हो, तो इसके अंदर आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो. इसमें आप ऑल द वे फ्रॉम $40 to $60 तक अर्न कर सकते हो. आपको किसी के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, आप वहां पे कुछ आवर्स काम करते हो और अपनी सर्विसेज देके आप आ जाते हो. इसमें शिफ्ट्स की जनरली प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप एक ऐसे वर्कर हो जिसके पास एक प्रॉपर स्किल है जो काफी कम लोगों के पास होता है, तो आप अपना टाइम भी वहां पे नेगोशिएट कर सकते हो.
अब इसमें अगर आपको जॉब इसके बाद आपको डिसाइड करना है आप कौन सी जॉब प्रेफर करते हैं, आपको कैसे एक्सपीरियंस लेना है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो और उसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बना के दे सकता हूं या आपको वन ऑन वन में चैट में दे सकता हूं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं किसी और चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो डू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। बाय फॉर नाउ।